नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। यह देखिए, जो किचन वेस्ट होता है जैसे फल सब्जी के छिलके, उसी से मैं यह लिक्विड बना रहा हूँ। और इस लिक्विड के माध्यम से हम इस वीडियो में टमाटर का कलम करेंगे, मतलब टमाटर के पौधे से पौधा बनाएंगे। यह वीडियो एक नॉलेजबल वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप खेती करते हैं तब भी देखिए, अगर आप खेती नहीं करते हैं तब भी देखिए, क्योंकि यह नॉलेजबल वीडियो है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खेती ही करते हैं। मान लीजिए आप अपने छत पर सब्जी उगाते हैं, फूल उगाते हैं, तब भी आपको यह वीडियो लाभ पहुंचाएगा, मतलब आपको जानकारी मिलेगा। देखिए, यह एक लिक्विड बन जाता है जब आप किचन वेस्ट को किसी बाल्टी में रखेंगे, किसी टब में, या इस तरह से जैसे मैंने टंकी बनाया है सीमेंटेड, और उसमें एक होल रहेगा, छेद रहेगा, तो वहाँ से वह लिक्विड के रूप में बाहर निकलता रहेगा। तो इसी लिक्विड के माध्यम से हम टमाटर के पौधे से कलम करेंगे और देखेंगे कि क्या रिस्पांस मिलता है। तो सबसे पहले कलम करने के लिए हमें पौधे में से बढ़िया इसका शाखा, मतलब इसका डार एक बढ़िया ढूंढा होगा। यह नहीं है कि कोई भी शाखा, जो थोड़ा पुराना है तभी उसमें जर्मिनेशन होगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप टमाटर के पौधे से कलम कर सकते हैं। और देखिए, यह मैं एक समझ लीजिए प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने यह नहीं किया है, तो यह मान के चलिए यह एक प्रैक्टिकल है। यह कामयाब होता है कि नहीं होता है, अब यह तो आने वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक हफ्ता दो हफ्ते के बाद में अगर इसमें जर्मिनेशन, मतलब इसका रूट नहीं बना, तो समझ लीजिए कामयाब नहीं होगा। और अगर इसका रूट बन रहा है तो यह बहुत बढ़िया कामयाब होगा। अगर आप मान लीजिए टमाटर के बीज से अगर पौधे आप उगाएंगे तो वह फल देने में कम से कम 2 से 3 महीने का समय लग जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से अगर यह कामयाब हो गया तो यह मात्र 1 महीने में ही फल देगा, क्योंकि यह टमाटर के बड़े पौधे से कलम किया है, तो इसमें अभी भी फूल फल है। तो यह जब लग जाएगा, इसका रूट पूरा विकसित हो जाएगा, और उसके बाद यह 1 से 1.5 महीने के अंदर ही यह आपको फल देना शुरू कर देगा। तो अगर इस तरीके से कामयाब होता है तो एक यह बहुत बढ़िया तरीका है। इसी तरीके से हम और भी सब्जियों का कलम करेंगे। तो आप वीडियो को देखते रहिए, अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। देखिए, मैं आपको बिजनेस आइडिया ही बताता हूँ, तो एक प्रकार का बिजनेस आइडिया है। आप मान लीजिए पौधे तैयार करके मार्केट में सेल कर सकते हैं, या आप फल जैसे आप सब्जी की खेती करके मार्केट में सेल करके बढ़िया अपना पैसा कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो मैं इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ वह सब एक बिजनेस आइडिया ही होता है। तो आप वीडियो को देखते रहिए।
देखिए, अब हमारा पौधा बनने के लिए यह शाखा तैयार हो गया है। अब हम सबसे पहले लिक्विड लेंगे जो हमने किचन वेस्ट से बनाया है। इस लिक्विड का लाभ यह होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व तो मिलेगा, जैसे पौधे को जीने के लिए माने पौधे को 16 से 17 तत्व तो चाहिए तब पौधा विकसित होता है, फल देता है। तो समझ लीजिए इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व तो, जो जिसमें से 3 मेन होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। नाइट्रोजन से मतलब यूरिया, नाइट्रोजन से पौधा बढ़ता है, फास्फोरस से उसका तना मजबूत होता है और उसमें रूट ज़्यादा विकसित होता है, पोटाश से फल देने की क्षमता ज़्यादा होता है। समझ में आ गया? तो हम इसे रासायनिक खाद भी अगर हम डाल देंगे तो जैसे एनपीके आता है, एनपीके 1919, उससे भी हम इस तरह का कलम कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें 3 ही मिलेगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। लेकिन इस लिक्विड में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश यह तो है ही, साथ ही साथ इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे तांबा, लोहा, यह सब अगर हम पौधे में बस यही लिक्विड ऐड करें, इसके अलावा कोई भी खाद अगर न हम डालें, फर्टिलाइजर, तब तो भी हमारा पौधा बहुत बढ़िया विकास करेगा, फल देगा, फूल देगा। समझ में आ गया? और यह एक ऑर्गेनिक तरीका है, इससे हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम अगर रासायनिक खाद यूज करते हैं, उसका मात्रा का थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो यह पौधा नहीं बन पाएगा। तो इसे अभी थोड़ा जीने के लिए, बस इसे थोड़ा विकास करने के लिए थोड़ा सा इसमें फर्टिलाइजर चाहिए, खाद चाहिए। तो इसलिए हम इसे अगर ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे तो यह हमारा ज़्यादा कामयाब होगा, इसमें कामयाब होने का ज़्यादा रहेगा। समझ में आ गया? तो देखिए, अब इस तरीके से हम थोड़ा इसके जो शाखा है उसका हम थोड़ा छिलका ऊपर से निकाल देंगे, छील देंगे, जिससे यह यहाँ से रूट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस लिक्विड में आपको इसे रख कर एक ऐसे जगह पर रखना है जहाँ पर इसे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गर्म हवा चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म मौसम है, तो इसे गर्म हवा से बचाने के लिए इसे मैं देखिए ग्लास में रख रहा हूँ, जिससे इस पर डायरेक्ट गर्म हवा असर न पड़े और यहाँ बहुत ज़्यादा धूप भी ना आए। थोड़ा बहुत आए तब कोई बात नहीं है, वो सुबह का धूप। अब हम इसे एक हफ्ते बाद देखेंगे इसका रिस्पॉन्स क्या है। और इसे ऊपर से मैं ढक देता हूँ जिससे इसमें जो हवा है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, और ऊपर से थोड़ा सा इसमें खुला है। तो मान लीजिए कि जब गर्म हवा इस पर डायरेक्ट नहीं, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा गर्म मौसम हो गया है, तो अगर हम इसे बाहर खुले में रख देंगे तो ये हमारा जर्मिनेशन नहीं होगा। इसीलिए इसे बहुत ही हिफाजत से रखना होगा, जिससे इसका वातावरण जो है वह थोड़ा नमी बना रहे। और एक हफ्ते बाद हम इसे देखेंगे कि इसका रूट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो फिर हम इसे खेत में लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसमें फल कैसा आता है, कैसा नहीं आता है। क्योंकि देखिए, इस समय अगर हम टमाटर उगाना चाहें तो बीज इसे नहीं उगा सकते, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा गर्म मौसम है, बीज इसे जल्दी नहीं उगेगा। तो इसीलिए मैं यह आपको जानकारी दे रहा हूँ। यह वीडियो एक नॉलेजेबल वीडियो है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखे होंगे, और अगर नहीं भी देखे होंगे तब भी कोई बात नहीं है, आपके अगर काम का है तो आप ज़रूर देखेंगे। तो चलिए, एक हफ्ते बाद फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन घंटी दबा दे, जिससे कोई भी वीडियो बना आपके पास तुरंत पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।